हमने पिछले वीडियो में आर्क फंक्शन पढ़े थे और इस वीडियो में हम सर्कल फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट, जिसमें हम सर्कल फंक्शन का कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम सर्कल रख देता हूँ एंड ओके और सेव। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक हमारी बेसिक बॉयलर प्लेट ला लेता हूँ। तो ये हमारी बेसिक बॉयलर प्लेट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, और अगर आपको ग्राफिक्स फाइल इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम आई होंगी तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्राफिक्स फाइल के सेटअप्स करते हैं, और थर्ड वीडियो में कुछ डेव सी प्लस प्लस की सेटिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे 32 बिट होना चाहिए। अगर आपका ये 64 बिट रिलीज होता है तो आपको एरर आएगा। तो चलिए, सर्कल का फंक्शन इस तरह से होता है कि हमें रिटर्न कुछ नहीं करता है, हमें बस सिंपली सर्कल लिखना पड़ता है और हमें पोजीशन बताना पड़ता है कि किस कोऑर्डिनेट पे हमें सर्कल चाहिए और कितने रेडियस का। तो यहाँ पे रेडियस भी देनी पड़ती है। तो हमने जैसे आर्क फंक्शन में देखे थे कि उसमें हमें स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल देना पड़ता था क्योंकि वो आर्क था, पर अब इस वाले में तो हम सर्कल बना रहे हैं तो इसमें एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें पोजीशन देना है कि हमें इस कोऑर्डिनेट पे एक सर्कल चाहिए, वो भी इतने रेडियस का। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं, इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज अ टेम्पलेट, तो आप इसे यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, और सबसे पहले पोजीशन दे दूंगा। तो पोजीशन देता हूँ 400, 400, रेडियस देता हूँ मैं 100, और बस इतना ही था सर्कल का फंक्शन। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको सर्कल के नाम से सेव कर देंगे और ये सेव हो गया है। अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। कंपाइल एंड रन। तो सबसे पहले एक आउटपुट स्क्रीन, ओके, हमें एक एरर मिला है जिसमें हमने सर्कल की स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखा है। CIRCLE होता है सर्कल। मैं अगेन इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने एक आउटपुट स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा। उसके बाद एक BGI की एक आउटपुट स्क्रीन आएगी जिसमें हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन और ये रहा हमारा सर्कल। तो होप आपको ये समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझता है तो मैं आपको इसे पेंट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि जो हमारा सर्कल का जो एक ओरिजिन होता है वो यहाँ होता है, यहाँ मेरा माउस है। तो ये जो मैंने अभी बनाया हूँ ये हमारी एक एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो बस मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे और यहाँ पे कहीं पे 400 400 पॉइंट्स है। तो अब यहाँ 400 है, यहाँ 400 है। तो अब ये होगा कि यहाँ से 400 नीचे आएंगे और यहाँ से 400 आगे आएंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये रहेगा हमारे सर्कल का सेंटर। ये जो दिख रहा है ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो अब क्या होगा कि एक सर्कल जो है वो 100 रेडियस का ड्रॉ होगा, जहाँ यहाँ से लेके, समझ लीजिए यहाँ तक अगर 100 होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ हुआ और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में ला देता हूँ, ओके। तो इस तरह से हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो होप, आई होप यू गाइस, आपको ये समझ गया होगा। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किए तो उसे एक्सेस कर लीजिए,
और नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी फंक्शंस देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच अप यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।